सो गाइस, जैसा कि ओप्पो अपने फाइंड एक्स 2 सीरीज को 17 जून को इंडिया में लॉन्च करने वाली है और इसके अंदर हमें ओप्पो की तरफ से दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि ओप्पो फाइंड एक्स 2 और ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो, और दोनों ही डिवाइस हमें ट्रू फ्लेक्सिव क्लियर देखने को मिलता है और ये डिवाइस सीधा सीधा वन प्लस के 8 सीरीज को कंपटीशन देगा। अगर आप किसी भी रीजन के कारण वन प्लस के 8 सीरीज को अभी तक बाय नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेटर हो सकता है और साथ ही आप इस डिवाइस के लिए डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमें आउट ऑफ द बॉक्स डुअल 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इस डिवाइस का बिल्ड क्वालिटी आपको काफी प्रीमियम किस्म का देखने को मिलता है और यहाँ पे इसके अंदर डिस्प्ले में काफी अच्छे से काम किया गया है। ओवरऑल आपको इस डिवाइस के अंदर काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो के कम्प्लीट फीचर्स प्राइसिंग के बारे में, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का लेटेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे हमें बिग साइज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 6.7 इंच के साथ आएगा और ये डिस्प्ले आपको क्वाड HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है और साथ ही हमें टॉप में सिंगल पंच होल भी देखने को मिल जाएगा और डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और डिस्प्ले टाइप आपको OLED देखने को मिलेगा और वहीं हमें डिस्प्ले के अंदर HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो करीब 93.1% तक कम देखने को मिलता है और ये डिस्प्ले आपको कर्व पैनल देखने को मिलेगा और डिस्प्ले को प्रोटेक्शन के लिए आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीमियम लेदर फिनिशिंग देखने को मिलेगा, साथ ही आपको एल्युमिनियम फ्रेम भी देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके कैमरा के बारे में, यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का दिया गया है और ये आपको सोनी का IMX689 सेंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है जो कि आपको सोनी का ही IMX586 सेंसर देखने को मिल जाता है और ये कैमरा 120 डिग्री तक का फील्ड ऑफ व्यू एंगल को सपोर्ट करता है। साथ ही बात करें इसके थर्ड लेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है जिसके अंदर हमें 10x हाइब्रिड जूम का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आपको अप टू 60x तक का डिजिटल जूम का सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ ही बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का ASLP कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में भी आपको नाइट मोड का फीचर देखने को मिलेगा और फ्रंट से भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे हमें फ्रंट और रियर दोनों तरफ OIS एंड EIS दोनों का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि आपके वीडियो को स्टेबलाइजेशन करने में काफी हेल्प करेगा। इसके प्रोसेसर के बारे में बात करी जाए तो ये डिवाइस आपको क्वालकॉम की तरफ से मोस्ट पावरफुल चिपसेट स्नैपड्रैगन का 865 का SoC यूज किया गया है जिसका क्लॉक स्पीड आपको 2.84 GHz देखने को मिल जाता है और ये प्रोसेसर 64-bit आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और साथ ही ये 7 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बिल्ड है और इसमें आपको गेमिंग के लिए एड्रीनो का 650 का GPU देखने को मिल जाता है और साथ ही ये चिपसेट डुअल 5G मोड को भी सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का कम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इस डिवाइस के बैटरी के बारे में बात करें तो आपको 4260 mAh का बैटरी मिलेगा, साथ में आपको सुपरबुक 2.0 का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वहीं कंपनी क्लेम करती है कि आप 30 मिनट के अंदर ही 0 to 100% चार्ज कर सकते हैं और ये चार्जर हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें चार्जिंग के लिए USB Type-C का पोर्ट मिल जाएगा बट आपको 3.5 का ऑडियो जैक मिसिंग देखने को मिलता है, लेकिन आपको NFC जैसा फीचर देखने को मिलेगा। स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये डिवाइस आपको LPDDR5RAM के साथ आता है, वहीं आपको UFS 3.0 का स्टोरेज भी मिलेगा जिसका बेस वेरिएंट आपको 12GB प्लस 256GB और इसका टॉप मॉडल आपको 12GB प्लस 512GB के साथ आएगा। सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 10 के साथ आता है जो कि कलरवेयर 7.1 पर बेस्ड होगा और ये डिवाइस आपको IP68 के रेटिंग के साथ आता है, यानी कि वाटर और डस्ट प्रूफ से लेस होगा। तो गाइस, लास्ट में बात कर लें इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में, तो ये डिवाइस जैसा कि आपको 17 जून को लॉन्च किया जा रहा है और इसका प्राइसिंग आपको 17,000 तक देखने को मिल सकता है, यानी कि इसका प्राइसिंग आपको वन प्लस 8 सीरीज से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा।